बघेल का रायपुर और दुर्ग दौरा है। दशहरा कार्यक्रमों में सीएम बघेल शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे गृहग्राम क्रूदडीही जाएंगे सीएम और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं शाम 6 बजे WRS मैदान जाकर दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। दुर्ग जिले के कुम्हारी और चरोदा में दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे। बिजली नगर भिलाई 3 में भी दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, आज दुर्ग के दौरे पर है, साथ ही साथ रायपुर में भी कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले हैं। कितने बजे से यह कार्यक्रम होने वाले हैं, साथ ही साथ कौन से वो कार्यक्रम देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विजयादशमी के मौके पर कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार 10:30 बजे उनका गृहग्राम कुरुडी है, वहां पर वो जाएंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और उसके बाद रायपुर में सबसे बड़ा दशहरा उत्सव WRS मैदान में आयोजित हो रहा है, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसमें जो रामायण सीरियल के पात्र हैं अरुण गोविल और दीपिका चिकलिया, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री WRS मैदान में दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुम्हारी जाएंगे, कुम्हारी में वहाँ पर कार्यक्रम है दशहरा को लेकर, और उसके बाद चरौदा में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे, और इसके बाद भिलाई बिजली नगर भिलाई 3 जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे और वहाँ पर भी दशहरा उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरीके से रायपुर और दुर्ग जिले के अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर उनका दौरा निर्धारित हुआ है और दशहरा कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। वर्षा हेमंत, साथ ही साथ रायपुर में भी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिस तरह से आपने बोला कि दीपिका चिखलिया इसमें शामिल होंगी, कितने बजे से ये कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ और कौन से बड़े नेता या अभिनेत्री इसमें शामिल होंगी? हाँ देखिए, दशहरा को लेकर तैयारी राजधानी रायपुर में लगातार की जा रही थी और यहाँ पर WRS मैदान में हर साल की तरह दशहरा उत्सव का कार्यक्रम होता है और रायपुर का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव माना जाता है। 110-11 फीट के जो रावण का पुतला है उसका दहन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा 75-75 फीट का मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला बनाया गया है, उसका भी दहन यहाँ पर होगा। पूरा कार्यक्रम वर्षा 5 बजे से शुरू होगा, मुख्यमंत्री 6 बजे वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि जो मुख्य आकर्षण रहेगा वो रामायण सीरियल के जो राम और सीता हैं, मतलब अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया, वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ कलकत्ता से वहां पर जो आतिशबाजी है उसको बुलाया गया है, तो मुख्य आकर्षण का केंद्र वहां पर रहेगा। इसके साथ साथ रायपुर के रावण भाटा, BTI, बिरगांव, इन तमाम जगहों पर दशहरा उत्सव का कार्यक्रम होगा। तमाम जानकारी के लिए चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत, तमाम जानकारी।